हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो लाया हूँ आज मैं प्योर ईवी ई ट्रांस नियो का एक फेसलिफ्ट वर्जन जो अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 2022 में, जिसका आज अपन एक डिटेल में मैं रिव्यू यहाँ पे शूट करने आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास अभी व्हाइट कलर में अवेलेबल है, यहाँ पे आपकी ग्रीन कलर में जो है नंबर प्लेट लगेगी। यहाँ पे सारे लाइट्स इसमें एलईडी में मिलते हैं, चाहे इंडिकेटर की बात करें, टेल लैंप की बात करें या हेडलैम्प्स की बात कर ले। आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसके ऐसे कुछ हेडलैम्प्स के इसके थ्रो है, और यहाँ पे एक जो है बटन दिया हुआ है हेडलैम्प्स के लिए, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे जो है टर्न इंडिकेटर्स, ये भी एक बीपर के साथ आते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है इसकी डे टाइम रनिंग लाइट है, जो कि वाई टाइप इसके शेप कुछ बनाती है, जैसा कुछ इसमें बीप होता है। यहाँ पे नियो ई ट्रांस की बैजिंग दी गई है और यहाँ पे प्योर ईवी का लोगो दिया गया है, जैसा कुछ है। फ्रंट में ऐसा इसमें कुछ गार्ड मिलता है, और यहाँ पे फ्रंट में जो इसके ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पे भी प्योर की बैजिंग दी गई है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट में इसका ये मडगार्ड। यहाँ पे जो है प्योर ईवी के कैलिपर्स मिलते हैं, ये इसका ये डिस्क दिया हुआ है, 1910 इसके टायर के प्रोफाइल है, 254 mm इसकी व्हील साइज है, और कास्ट एलॉय व्हील इसमें दिया गया है, और ये इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जैसा मैंने कहा था। अब फुट एरिया की बात करें तो फुट एरिया ना ज़्यादा काफ़ी बड़ा है और ना ज़्यादा छोटा है, मतलब मीडियम साइज है, आपके पैर आराम से रख सकते हैं। और दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में जैसा ऐसा बराबर पैर नहीं रख सकते इसमें, ऐसा कुछ मतलब दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आप थोड़े बहुत पैर इसमें रख सकते हैं। ये इसका ये साइड स्टैंड, और यहाँ पे इसका ये मेन स्टैंड दिया गया है, और यहाँ पे ये लेडी फुटरेस्ट भी मिलता है इसमें। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप लोगों को अभी ये सारी चीज़ें मिलती है। मिरर्स की बात करें तो मिरर्स का भी व्यू एंगल काफ़ी अच्छा है, पीछे का व्यू एकदम बराबर दे देते हैं। और यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम फिनिश में इसके ये हैंडल दिया हुआ है, और यहाँ पे इसमें ब्रेक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो एक तो काफ़ी नया लुक बना देता है और पकड़ने भी है काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम स्मूथ है। यहाँ पे भी ब्रेक, और पहले जो है छोटा सा स्पीडोमीटर आता था, अब जो है बड़ा डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है। अभी की बात कर ले तो इसमें जो है चार चार की, ये आप देख सकते हैं, और दो जो है रिमोट की आती है, ये जो है लॉक और ये अनलॉक, इसको लॉक करते तो देखिए ऐसा बीप बजता है, जब अनलॉक करते तभी भी ऐसा बीप बजता है। और यहाँ पे जो है इसकी एक ही इंसर्ट होती है, यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है आप पॉलीथीन या थैली वगैरह लटकाने के लिए, यहाँ पे भी एक छोटा मतलब ग्लव बॉक्स टाइप दिया हुआ है जिसमें आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और नीचे में यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट दी गई है, अगर आपका मतलब हाउस नीचे ही और डायरेक्ट घर से चार्ज करते हैं तो यहाँ पे भी आप ये इसमें प्लग इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कुछ दिया हुआ है, इसका डिजिटल स्पीडोमीटर देख लेते हैं, जैसा जो कुछ ऑन होता है, यही स्पीडोमीटर अपन ने प्लूटो 7G में भी देखा था। यहाँ पे फुल चार्जिंग के दिन और सिंगल चार्ज पे ये 100 किलोमीटर मतलब चल जाता है। यहाँ पे कितने किलोमीटर चली है ये पार्किंग, इसको मैं यहाँ से अगर प्रेस करूँ तो ये हट जाता है। अभी देखिए स्पीडोमीटर आ गया, यहाँ पे पावर की बैजिंग और तीन जो है मोड दे दी गई है, ये देखिए अभी फर्स्ट मोड में, अगर मैं यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है, ये सेकंड और ये थर्ड, ऐसा कुछ दे दिया। फर्स्ट के स्पीड में कुछ 20 से 30 की स्पीड रहती है, और सेकंड के इसमें कुछ 60 तक स्पीड रहती है, और थर्ड में कुछ 90 तक इसकी स्पीड जाती है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न, और यहाँ पे लाइट का बटन, और यहाँ पे भी एक ड्यूअल हॉर्न टाइप दिया हुआ है। और जो सीटिंग की बात कर ले तो सीटिंग काफ़ी इसके पहले से बड़ी की गई है, राइडर के लिए भी एकदम कुशनिंग है और ये पिलियन के लिए भी कुशनिंग है। और ये इसका ग्रेब रिल भी जो है ये नया दे दिया गया है, आप इसमें आराम से हैंडल पकड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे नियो ई ट्रांस की बैजिंग, और नीचे में जो है यहाँ पे इसके 310 इसके टायर की प्रोफाइल है, 254 mm इसकी व्हील साइज है, और पीछे में भी ये जो है कास्ट एलॉय इसमें मिलता है। पीछे में जो है ऐसे कुछ इसके एलईडी में टेल लैंप दिखती है, और यहाँ पे जो है इसके इंडिकेटर, पीछे में जो यहाँ पे नंबर प्लेट लगी गई है रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट दी गई है। यहाँ पे जो है नियो ई ट्रांस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक छोटी ग्रेब्रिल टाइप दे दी गई। फुट पैक्स जो है राउंडेड शेप में दिए गए, ये जो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, और ये जो है रबरी फिनिश में दिए गए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे पीछे का लुक है। और यहाँ से जो इसकी डेकी ओपन होती है,
तो ऐसे कुछ इसकी बूट ओपन होती है। पहले जो है बैटरी है बाहर आती थी तो आप ज़्यादा मतलब सामान नहीं रख पाते थे, और अभी जो है आप आराम से इसमें अच्छा खासा मतलब सामान इसमें रख सकते हैं। टूल किट दिया गया है, सॉरी ये फर्स्ट एड किट है और ये टूल किट दिया गया है, और बैटरी जो है इसकी काफ़ी मतलब अंदर प्लेस की गई है। यहाँ पे MCB दी गई है ऑन ऑफ करने के लिए, और अभी जो है आप इसमें अच्छा खासा सामान मतलब रख सकते हैं। पहले बैटरी बाहर आती थी, तो ऐसा कुछ है। और हाँ मैं बताना भूल गया, इसमें जो है 1.5 किलोवोल्ट की नॉमिनल एंड 2.2 किलोवोल्ट की पीक बैटरी मिलती है। BLDC मोटर टाइप इसकी बैटरी दी गई है, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे इसको जो है क्लोज कर लेते हैं। और इसकी मुझे चार चार की काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इसकी जो की है कभी घूम जाती है, तो इसको बनाना भी काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसके लिए इसमें पहले से एक्स्ट्रा की दे दी गई है, और दो जो है रिमोट की मिलती है, ये काफ़ी अच्छा है। और इसका डिजिटल स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा लगता है। तो होप आप लोगों को फुल गाड़ी समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट या क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे पूछ सकते हैं। कमेंट में बताएं ऐसी कौन सी गाड़ी का रिव्यूज़ देखना, मैं दिन अपने चैनल पे लाते रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते कल आने वाले ऐसे वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड राइड सेफ।